स्वादिष्ट बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलेंगे 56 प्रकार के अनलिमिटेड व्यंजन। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला बिहार का पहला स्वादिष्ट बारबेक्यू रेस्टोरेंट। बिहार के पहले स्वादिष्ट बारबेक्यू रेस्टोरेंट का शुभारंभ मिर्जापुर के एसएम प्लाजा B2 स्थित स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में किया गया है। यहां लोगों को 56 प्रकार के व्यंजन अनलिमिटेड मात्रा में परोसे जाएंगे। इस व्यंजन को मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के शेफ के द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रबंध निदेशक इंदौर के शंभू सिंह सिग्रीवाल ने बताया कि बिहार में इस तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेस्टोरेंट खोला गया है, जहां लाइव म्यूजिक के साथ लोग अनलिमिटेड मात्रा में 56 प्रकार के व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे। वहीं यहां आने के लिए लोगों को ऑनलाइन और एडवांस बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। शहरवासियों से निवेदन है मेरा कि एक बार मेरे स्वादिष्ट बारबेक्यू में आए। यहाँ काफी पुराने लोग हैं, गेस्ट हैं, और इसकी बहुत अच्छी रिपोर्टेशन पहले भी थी, आज भी है, और हमने अकॉर्डिंग टू इस शहर का हिसाब से और अपने क्रिएटिव माइंड से इसकी डेकोरेशन, साज सज्जा और मैचलेस सर्विस प्रोवाइड किया है, और आशा करता हूं कि हमेशा ये ऐसे मेंटेन रहेगा और हाइजीनिक रहेगी। और मैं यहां पर सुशेफ की पोस्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बारबेक्यू होता क्या है। बहुत सारे लोगों को बारबेक्यू नेशन के बारे में पता नहीं है कि बारबेक्यू एक्चुअली में होता क्या है। आज ये इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके रेस्टोरेंट हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर शहर में है। तो बारबेक्यू का मतलब होता है कि जो खुले में जो चीजें रोस्ट होती हैं आपके सामने में, रोस्ट तंदूर में भी होता है, लेकिन तंदूर क्या है, किचन के अंदर होता है। वो कॉन्सेप्ट जो तंदूर में जो चीजें सीखती हैं, वही उसको हमने स्कीवर में लगा के, जैसे ये स्कीवर है, इसमें जो हम लगाते हैं और तंदूर यहाँ ना लगा के ये सिगड़ी लगाते हैं, इसके बाद हम इसको ऊपर से रखते हैं। जो चीजें खुले में जो रोस्ट होती है उसको बारबेक्यू नेशन बोला जाता है, और जो आप खुले में रोस्ट करते हैं आप इसको अपने हिसाब से रोस्ट कर सकते हैं। आपको कितना खाना है, आपको थोड़ा सा क्रिस्पी खाना है या थोड़ा सा सॉफ्ट खाना है, या अपने हिसाब से आप इसको लेके अपने प्लेट में खा सकते हैं। इसका मेन चीज होती है, बाकी सेफ ने जैसे हमको बताया अभी कि पूरा वर्ल्ड क्यूजन हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, मेडिटेरियन है और अपना वो खाना यहाँ पर है, मुगलई है, बहुत सारी हैं। तो वो खाना हम यहाँ पर पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, दरभंगा को ही नहीं पूरे बिहार को हम कराना चाहते हैं, हमारी कोशिश ये है। थैंक यू। मेडिटेरियन जो है एक सी है, उस सी को लगा के जितने भी कंट्रीज होते हैं उसमें 22 कंट्रीज और 7 टापू सर, वहाँ का फूड हम बिहार में आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जैसे अमेरिका हो गया, आपका इटली, फ्रांस, ये सब, लंदन, सब फूड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हेल्थी फूड भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, और पूरा हाइजीनिंग को लेके पूरी साफ सुथरा हाइजीनिंग के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जैसे बाहर का जो बाहर जाके आप टेस्ट करते हैं, इतना खर्चा करके बाहर जाते हैं, उसको वहां जाने के बाद आपको वो मजा आपको बिहार के अंदर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर हुई ब्रीफिंग। दरभंगा जिला मुख्यालय के कुल 45 परीक्षा केंद्र पर आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर दरभंगा परीक्षा गृह में सभी केंद्राधीक्षक और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों की ब्रीफिंग जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा की गई। ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी भी मोबाइल फोन नहीं रखेंगे। अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीएड एंट्रेंस की परीक्षा संवेदनशील होती है, इस परीक्षा का छात्रों के बीच में क्रेज है, इसके माध्यम से शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करते हैं। करके यहाँ पे संयुक्त बैठक आयोजित की गई है, उसमें केंद्राधीक्षक और दंडाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा का कदाचार मुक्त संचालन हो और सही तरीके से परीक्षा संपन्न हो, इसके लिए निर्देश। मनरेगा मजदूर सभा के द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेगरामा जिला सचिव सपूर्व प्रमुख हरि पासवान और मनरेगा मजदूर सभा जिला अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य पप्पू कुमार पासवान ने संयुक्त रूप से किया। आज के कार्यक्रम से मनरेगा मजदूरों के सवाल पर दिल्ली में 100 दिन तक चल रहे आंदोलन का समर्थन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि देश में जनविरोधी सरकार चल रही है, लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय समाप्त कर देना चाहती है। वर्तमान केंद्र की मोदानी सरकार में मेहनत कश जनता, मजदूर, गरीब, महंगाई, बेकारी से कराह रही है और पूंजीपतियों को हजारों करोड़ रुपये की छूट देकर देश को खोखला किया जा रहा है।
ये मिट्टी काटने वाले जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी 228 रुपया क्यों निर्धारित की गई है, इसको बदला जाए, 600 रुपया मजदूरी हो, कार्यस्थल पर भुगतान हो, और मनरेगा योजना को जो मारने की मोदी सरकार की साजिश है वो नहीं चलेगा, ये मांग प्रमुख है। दूसरा कि बहादुरपुर प्रखंड में रामभद्रपुर पंचायत है, जहाँ के मुखिया सरकारी भवन के रहते हुए पंचायत भवन अपने निजी घरों से सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं, तो बंद होना चाहिए। पूरे जिला में पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बने, जहां पंचायत सरकार भवन बने हुए हैं उसको विधिवत चालू किया जाए। फेकला है बहादुरपुर प्रखंड में, जहां अस्पताल बनाने, रेफरल अस्पताल बनाने की मांग है, और तमाम गरीबों को अब ये काम। डीएमसीएच परिसर में रह रहे 11 परिवारों को अतिक्रमण मुक्त करने की भेजी गई नोटिस। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में 336 बेड का सबसे बड़ा सर्जिकल वार्ड बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जल्द ही इसकी सुविधा मिथिलांचल के लोगों को मिलेगी। वहीं डीएमसीएच परिसर क्षेत्र में रह रहे लोगों को सदर अंचल से 11 परिवारों को नोटिस भेजा गया है कि वह जमीन अतिक्रमण मुक्त कर दे। नोटिस में लिखा है कि सर्जिकल वार्ड निर्माण कार्य में बाधा हो रही है, जिसके कारण अतिक्रमण मुक्त कराने की 24 घंटे का अल्टीमेट दिया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि हम लोगों को इसके बदले जमीन दिया जा रहा है जो सदर प्रखंड के सोनकी क्षेत्र में है, जो काफी दूर है। हम लोग यहाँ पर शौचालय की सफाई करते हैं, ऐसे में दूर रहने में काम नहीं हो पाएगा। सीओ साहब के बोले, डीएम साहब, जो इसको ना जमीन खोज करके जितना आदमी है उसको दो। कितना आदमी है आप लोग? 11 घर है यहाँ पर। तो हमको मतलब जमीन दिया, वो कहाँ का फरदाहा के ऑफिस में, वो चोर चाचर में सर। हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, हम लोग डेरा के काम करते हैं तो खाते हैं सर, बुझे। तो हम लोग अगल बगल में हमको जमीन दिया जाए, जो हम लोग डेरा डूरी में काम करेंगे, बाल बच्चा को मतलब नून रोटी के आहार मिलेगा बाल बच्चा को। डेरा में हम लोग करते हैं, वह बाथरूम उतरूम धोते हैं, चौका बर्तन करते थे, झाड़ू पोछा करते हैं। डीएमसीएच में जो इम्प्लॉय है उनका जी, क्या नाम हुआ आपका? मुनकी। नोटिस दिया गया है हम लोग का सरकार था झोपड़पट्टी हटाने के लिए सर। आदमी बाप दादा से यहाँ गुजर गया 300 बरस से बेसी समय, बाप दादा सब मन उड़ गया यहाँ पर, सबके वजह से हम लोग जमीन भाई गए हैं। कितना आदमी मकान हम लोग जो पानी सर सो रहा था, तो हम लोग मकान बना गया पड़े थे सर। आज देख कहते कि हटाने के लिए, तो हम लोग कहाँ जाके सर सर सामान लेके बाल बच्चा लेके कहीं पर जमीन दीजिएगा सर, तो हम लोग कहीं बाल बच्चा लेके गुजार भी कर सकते हैं। यही बात है सर। ये कहाँ का मामला है? ये अपना डीएम सर का मामला है। आप क्या काम करते हैं? हम डेरा डंडा का काम करते सर, किन्नी फिन्नी के काम करते, नानी मोरी के। कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? यही 7-10-15 घर का आदमी के है। 11 आदमी, यही सीधा देखिए सर। मेरा मित्र वहाँ दे हमारे भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत हर समुदाय में हर वर्ग को एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम का संदेश देने का काम किया जाता है। मैं उसी संदर्भ में आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से अपने जो हमारे जो ये अवतार का पार्टी, जो ये रमजान का महीना चल रहा है, उसमें तमाम चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सारे लोगों को हम लोग बुला के एक जो यहाँ की जो संस्कृत है, यहाँ की जो मिली गंगी जमुना सरस्वती की जो एक संस्कृत है भारत का, उसका हमने आयोजन किए थे और उसमें सारे लोग शिरकत किए। सारे लोगों की भावना एक दूसरे के साथ गला में गला मिल के इस देश को मजबूती करने का संकल्प लिया गया। दरभंगा के टाउन थाना के गुलबाड़ा में अनीता देवी के जमीन पर दारू नहीं रखने देने पर पिटाई की डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के टाउन थाना क्षेत्र के गुलबाड़ा में अनीता देवी ने अपनी जमीन पर कुछ शराब माफियाओं को दारू नहीं रखने दिया। इसके एवज में कई लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद वो घायल हो गई। जब उसके पति आए तो वाद विवाद बढ़ गया। उसके हाथ में डंडे और चाकू से प्रहार किया गया, जिसके बाद परिजनों ने दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मारपीट सर? कौन मारा है? भोला मोहतो।
गोलू कुमार, कौशल्या देवी, श्याम महतो। पीछे मेरे जमीन में दारू रखने के कारण हम बोले, मेरा पति लोग नहीं था, सब मिल के धो दिया। हम कहे कि नहीं रखो मेरे जमीन में दारू, हमहूँ चल जाएंगे जेल, हमहूँ पकड़ा जाएंगे। तो जबरदस्ती कहे कि नहीं हम रखबे करेंगे, हम रखबे करेंगे, नहीं रखेगी तो हम मारेंगे तुमको, मारेंगे, नहीं रखने दोगी तो।